नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनावों में 5 सीटें हारने के बाद में प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर सीएम सैनी अंबाला में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर भड़ास निकाली। सीएम ने कहा कि बीजेपी घर घर जाकर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करेगी, जो फॉर्म कांग्रेस ने भरवाए थे उसके मुताबिक अब 8,500 रुपए दे। इसके साथ ही सीएम सैनी ने यह भी कहा कि कांग्रेस झूठ की नींव पर खड़ी हुई है और आने वाले चुनाव में भी इनका सूपड़ा साफ होगा, कांग्रेस कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान और जल संकट को लेकर भी दिल्ली के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, आने वाले समय के अंदर विधानसभा के हरियाणा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस झूठ को घर घर जाकर के पर्दाफाश करने का काम करेगी। जो कांग्रेस ने झूठ के ऊपर अपनी नींव को खड़ा करने की कोशिश की है, लोगों के बीच में झूठ बोल करके और भ्रम फैला करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, कांग्रेस ने आज तक देश प्रदेश के लोगों के हित के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं लेकर के आई जिसको उनको लाभ मिले। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर हर योजना लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए चलाई। देश को आज इन 10 वर्षों के अंदर मजबूती से विकास की गति को ऊपर बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके मोदी के उन कार्यों को दबाना चाहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के इस झूठ को अब बिकने नहीं देगा। मजबूती से खड़ा होकर के उनके उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। जो लोग बोलते थे, जिन्होंने फार्म भी भरे हैं, इस प्रकार के फार्म भरे हैं कि आपके हर महीने 8,500 रुपए आएंगे, देना कांग्रेस के लोग कहां से देंगे, दें वो कहां से देंगे। अरे, लोगों के बीच में झूठ बोल करके इस प्रकार का भ्रम फैला देना और ये बात कह देना मंच के ऊपर खड़ा होकर के, संविधान की बुक लेकर के, कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कि संविधान खत्म हो जाएगा। अरे, इस संविधान को ना कभी किसी ने खत्म किया है, ना कि ये खत्म होगा। संविधान के अनुरूप देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। कांग्रेस के समय के अंदर तो ये देश उस संविधान को भी अपमान करने का काम इन लोगों ने किया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो लोग हैं, ये झूठ की नींव के ऊपर खड़े हुए हैं, जल्दी ही इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। आज हर समस्या का समाधान हमारी सरकार कर रही है और लोगों के लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इन 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। कांग्रेस के लोग ये बात बोलते हैं, नौकरियों की बात करते हैं। मैं बार बार इस बात को लेकर के बोलता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को बताए कि मेरी 10 वर्ष तक सरकार रही है, कितने युवाओं को रोजगार दिया है, किस आधार के ऊपर दिया है। कांग्रेस के नेता भी मंचों के ऊपर बताएं, परंतु हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देकर के उनको सम्मान देने का काम किया। देखिए, जिन लोगों की सीटें ही मात्र 100 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, 3 डिजिट में भी जिनका आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी 241 सीटें लेकर के, 303 सीटें लेकर के तीसरी बार सरकार बनाई है, मजबूत सरकार बनाई है, और उसको ये इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस बौखड़ा चुकी है, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ फैलाने के लिए है और कुछ नहीं है। इस बात को हमारा कार्यकर्ता मजबूती से इनका पर्दाफाश दलित समाज के अंदर भी जाकर के, ऐसी समाज के अंदर भी जाकर के इनके के झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। जो मोदी जी ने काम करे हैं उसका बताने का काम करेगा। देखिए, बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, बहुत बड़े मैंडेट के साथ, और कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस के जो पाप हैं, कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, लोग उनको जानते हैं। कांग्रेस के समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर 3 दिन में मिलता था, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, बिजली नहीं आती थी, इस प्रकार की स्थिति थी। परंतु आज 24 घंटे भी बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। बहुत सारी ऐसी लगातार योजनाएं, आज गरीब लोगों को जो गलतियां कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस ने खाली गरीब लोगों को एक प्लाट दे दिया कि ये प्लाट है, ना कोई रजिस्ट्री दी, ना कोई इनकी कब्जा दिया, ना कोई पोजीशन आई उसकी, लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। परंतु हमने आकर के
उसका कब्जा भी देने का काम किया, उसकी रजिस्ट्री भी देने की काम की है। और हमने कहा है कि अगर किसी गांव के अंदर पंचायत की भूमि नहीं है, उन लोगों को एक एक लाख रुपया दे करके वो अपना प्लाट ले सके, उसकी व्यवस्था भी है। देखिए वो झूठ बोलते हैं, वो सारा का सारा घमंडिया गठबंधन के लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। पिछली बार भी वो कोर्ट के अंदर गए थे, कोर्ट के अंदर उन्होंने अपने मुंह की खानी पड़ी, और अब भी कभी तो वो बोलते हैं कि भाई हमें आप पानी दे दें। हम जितना पानी कोर्ट ने हमें कहा था, जितना हमारा एग्रीमेंट के अंदर हुआ था, उससे सोया पानी देने का काम दिल्ली को कर रहे हैं। परंतु दिल्ली के जो नेता हैं, अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा कदम 10 वर्षों के अंदर नहीं उठाया जिससे इस समस्या से हम निपट सके। उनके ना तो वहां पर जो पानी इकट्ठा करने का उनकी सफाई है, ना डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक है, वो तो खाली वाह वाही लूटने का काम करते हैं। परंतु उनकी व्यवस्था के लिए कोई काम नहीं उन्होंने किया है, ना कोई काम किया है। वो उनकी व्यवस्था के लिए काम करें, लोगों को दिखाएं कि जितना पानी हमारे पास भी जितना पानी है उसी के अंदर काम चला रहे हैं, वो भी उसी पानी के अंदर इतना पानी पर्याप्त दिल्ली को दिया जा रहा है, परंतु उनका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ठीक नहीं है, वो अपने सिस्टम को ठीक करें। यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी कार्य प्रणाली सुधारें, वरना उनकी कलम में जो ताकत है वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के जो माहौल वो देख रहे हैं वो काफी अच्छा नहीं है। इसके साथ ही असीम गोयल ने यह भी कहा कि इस बैठक में 16 शिकायतें आई थी जिसमें से 13 शिकायतों का निपटान भी किया गया है और 3 पेंडिंग है। देखिए लगभग 16 शिकायतें टोटल थी, उसमें से 3 जो हैं पेंडिंग रही हैं, 13 का मौके के ऊपर निपटान हुआ है। और अलग अलग तरह कुछ आपसी रंजिश की शिकायतें, कोई गली नाली की शिकायतें, और कोई किसी प्रकार से कब्जे की शिकायतें, और कोई जिस प्रकार से अगर हम कह सकते हैं उन सब शिकायतों को ब्रीफली सुनने के बाद जो है 13 उसमें से जो है फाइल कर दी गई है। और मेरी कोशिश है मैं इस रूटीन को महीने से पहले जो है रोटेशन में इस मीटिंग को रखूं। अधिकारियों को हिदायतें भी दी गई हैं कि वो अपना जो उनका कर्तव्य है, जो उनकी ड्यूटी है, उस नाते ही जो है परफॉर्म करें। क्योंकि कुछ माननीय जो हमारे इस कमेटी के भी सदस्य हैं, जब उन्होंने अपनी शिकायतें रखनी शुरू की तो मुझे लगा कि यहाँ पे सुधार की गुंजाइश है। हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके लिए प्रशासन के साथ साथ पार्टियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस 16 जून से प्रदेश भर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है जिसकी शुरुआत कांग्रेस करनाल और कुरुक्षेत्र से करेगी। 21 जून को सोनीपत पानीपत में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में 14 जुलाई तक ये कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे जिसमें वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर जोश भरेंगे। अंबाला के नवनिर्वाचित सांसद वरुण चौधरी ने शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात कर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चले कि वरुण चौधरी मुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक थे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उन्हें अंबाला लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। वरुण के इस्तीफे देने के बाद में हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 87 की गई है और लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सदस्य थे। देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुलाना विधानसभा क्षेत्रवासियों ने दी थी, मुझे विधायक चुना था और मेरा भी प्रयास रहा था कि हर संभव प्रयास करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। और आज भारी मन से इस्तीफा दिया है, लेकिन खुशी भी है कि मुझे जन जन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और तभी मुझे सांसद चुना गया है। एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा
कि जन जन की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं। सोनीपत से बरोद विधानसभा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बयान दिया कि हरियाणा में अब कुछ महीनों बाद आने वाले समय कांग्रेस का होगा। किसी से भी कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। जनता कांग्रेस के साथ है और 70 में से अधिक सीट जीतकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेता ही बयान देते थे कि 400 पर पार जो है होने के बाद में संविधान में बदलाव किया जाएगा, लेकिन जनता ने उनको इस लायक छोड़ा ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में कई तरह के पोर्टल बनाकर जनता को परेशान किया जा रहा, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और उनके कागजात पूरे नहीं हो पाते हैं। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने के बाद में इन पोर्टल्स को भी बंद कर दिया जाएगा। आइए सुनते हैं विधायक ने क्या कुछ कहा है। कि बीजेपी का नारा था 400 पार का, लेकिन हुड्डा साहब ने नारा दिया कि लोकसभा में आप और विधानसभा में बीजेपी साफ, ये हरियाणा प्रदेश ने मन बना चुकी है। और आप देखना आने वाला जो समय है विधानसभा का, यहाँ से बीजेपी को दो का आंकड़ा नहीं बनेगा। इनकी बहुत बुरी हालत होगी, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इनको बिल्कुल भगाने वाले हैं और आने वाला टाइम हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पंचकुला में बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा की अध्यक्षता में पंचकमल कार्यालय में नगर निगम पार्षदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बैठक में विशेष तौर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता के साथ में महापौर कुलभूषण गोयल उपस्थित रहे। और इस दौरान आपको बताते चले कि पंचकुला में चल रहे विकास कार्यों की चर्चा की गई, अन्य कार्यों को लेकर सुझाव भी एक दूसरे को शेयर किए गए। HCS एंड अदर एलीट सर्विसेज मेन एग्जाम 2023 इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी तरह से HPSC ने सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू नंबर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। आपको बताते चलें कि 2023 इंटरव्यू प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है और जिसको लेकर बोर्ड ने ऑनलाइन सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू नंबर भी अपलोड किए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं, जहां पर HPSC ने वेबसाइट पर नंबर जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं और सभी ये जो पूरा जो जानकारी है वो 2023 इंटरव्यू प्रक्रिया की पूरी हो चुकी है। कैथल पुलिस ने एक युवक से मारपीट पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले शब्द बोलने के मामले में दो आरोपियों को काबू किया है। आरोपियों की पहचान जींद जिले के सिंहवाल निवासी ईशु और शेरगढ़ निवासी सुनील के तौर पर हुई है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और आरोपियों की धरपकड़ के लिए जिला पुलिस द्वारा DSP गुरविंदर सिंह की अगुवाई में 5 सदस्यीय SIT का गठन भी किया गया था और CIA पुलिस, सिविल लाइन पुलिस और साइबर क्राइम की टीम आरोपियों की गिरफ्त में लगी हुई थी। वहीं आहत करने वाले शब्द बोले गए थे, जिस संदर्भ में सिविल लाइन पुलिस द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया गया। मैं सत्यता का दोस्ती लगा लो तो उसके जो भी दिक्कत थी वो हमारे पास आया था, ऐसे ऐसे बात है तो हमने फिर अपनी टीम से बात की ऊपर तो से उनकी बात करवाई तो उसके तहत ये सारा काम हुआ। आज हमारे चीका जंगी भाई या बड़े भाई साहब उनके दफ्तर में वो आया था भाई, ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने पहले भी कई रेडियां करवाई हैं, उनके पास आते रहते हैं, ऐसे शिकायत करता भाई हमें ऐसे ऐसे प्रशासन तंग कर रहा है, वो पहले भी कई रेड करा चुके हैं और सारी सहायक शुरू हुई है। शिकायतकर्ता ने कितनी जमीन के इसका इससे में मुझे लगता है एक ही एकड़ थी, एक किला लगा लो तो उसने पहले 27 की डिमांड की थी, 27,000 लगे तो इनका 14 में फिक्स हुआ था, 14,000 मीटर कर दूंगा मैं जो भी इनका काम था। तो कहाँ का मामला है ये? राजौंद के पास गांव है इनका। मामला ये था, एक अपना सुनील कुमार जी हैं रोडू गांव के, उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक कंप्लेंट दे रखी अपना उनके के केस का फैसला हुआ है तो उसमें उस कनगो द्वारा उनकी दखल वारंट की तमील की जा रही है, वो नहीं कर रहे हैं जिसके वजह से उन्होंने 14,000 रुपये मांगे हैं।
जिस पर उनको हमने 14,000 रुपये रेड के दौरान रंगे हाथों लेते हुए पकड़ लिया है। तो क्या कुछ नाम था कानून का? कानून वो रणजीत सिंह जी हैं, ये उप तहसील रंजौद के हैं। सर कहाँ से पकड़ा गया था? ये तहसील उप तहसील रंजौद से पकड़ा गया। कितनी रिश्वत मांगी थी? 14,000 रुपये मांगी थी और 14,000 रुपये किस काम के लिए दी? ये इन्होंने इनका एक वारंट दाखिल था तो जमीन का बंटवारा। हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसते हुए नजर आ रहा। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि कैथल जिले में भी एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा राजौन तहसील में कार्यरत एक कानूनगो को 14,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके पास में गांव रोहेड़ा निवासी सुमित जागलान अधिवक्ता की शिकायत आई थी और कानूनगो रणधीर सिंह उनसे जानबूझकर चक्कर कटवाता रहा और आखिर में उसे 14,000 की डिमांड जो है वो करने लगा। कानूनगो से परेशान होकर इसकी शिकायत अंबाला के एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय में दी गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर सूबे सिंह ने भी अपनी टीम के साथ में राजौद उप तहसील से कानूनगो रणधीर सिंह की सुमित जागलान से 14,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो एक इंसिडेंट हुआ था जो फादर थे तो वहाँ पे एक विक्टिम था सुखविंदर, उनके साथ दो लोगों ने हाथापाई की थी और उनको धार्मिक भावना आज करने वाले कुछ वर्ड बोले थे, तो उसमें हमारी तरफ से तब कार्रवाई की गई थी। हमारी तरफ से SIT DSP गोविंदर जी के अंडर में SIT बनी थी, जिसमें 5 मेंबर की टीम थी। उसके अलावा भी हमारी जो सिविल लाइन है उनकी 2 टीमें थी, उसके अलावा CID की 3 टीमें थी और साइबर सेल, इन सब की मेहनत से काफ़ी डेटी चेक की गई थी। जो अक्यूज थे अननोन थे, विक्टिम उनके बारे में नहीं बता पाया था कि कौन अक्यूज है। 2 बाइक पे थे। मॉनसून सीजन जो है वो शुरू होने से पहले प्रशासन बरसाती पानी निकासी से संबंधित व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गया है। गत दिनों मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि बरसात के दौरान लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना आए। इसी कड़ी में सोनीपत जिले के गन्नौर SDM अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ में एक्शन मोड में भी नजर आए हैं और आपको बताते चले कि अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर बारिश 50 mm से भी ज्यादा होती है तो पानी निकासी में कुछ समय जरूर लगता है, लेकिन अब की बार बारिश से पहले ही मुख्य पॉइंटों को लेकर भी चिन्हित कर निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। अधिकारियों को बुलाया है जिनमें पब्लिक इंजीनियरिंग से हमारे एक्शन और म्यूनिसिपल कमेटी से ME सैनिटेशन इंस्पेक्टर, इनको बुलाया हमने। हम मेजर पॉइंट्स को देख रहे हैं जहां पानी बरसाती सीजन में और वैसे भी जहाँ खड़ा रहता है, तो उसके अंदर हमने व्यवस्था करने के लिए 2-3 जगह हमने एडिशनल पॉइंट्स बनाए हैं, उनको शिविर से जोड़ा जाएगा, जिससे मतलब जहाँ पानी खड़े रहने की समस्या है वो दूर हो जाएगी और समय रहते हुए हमने अपनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 62 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 13 साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया। आपको बताते चले कि बच्चे का शव मिलने के बाद परिजनों ने थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा किया, साथ ही पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगाए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कर्ज में डूबे एक युवक ने पैसों के लालच में अपने ही दोस्त के बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। सामने आया कि आरोपी ने बच्चे का अपहरण कर उसे ज्यादा मात्रा में नशीला पदार्थ खिलाया था जिसकी वजह से उसकी जान चली गई है। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने जिला कारागार और महिला पुलिस स्टेशन पर औचक निरीक्षण करते हुए महिला थाने में शिकायत लेकर पहुंची हैं। महिला शिकायतकर्ताओं की फरियाद सुनते हुए थाना प्रबंधक को मामले में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जेल के बैरकों और जेल में स्थापित कानूनी सहायता क्लिनिक और जेल अस्पताल का भी निरीक्षण किया। जेल अधिकारियों को खाना पकाने में साफ सफाई का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए। जेल अधिकारियों ने बताया कि जेल में फिलहाल कोई भी महिला बंदी और कैदी नहीं है। जेल में निर्माण कार्य होने की वजह से महिला बंदियों और कैदियों को भी रोहतक जिला जेल में स्थानांतरित किया गया है। आज बहन सोनिया अग्रवाल जी ने महिला थाने का जिला जज्जर में निरीक्षण किया है और इस संबंध में जो कई पार्टियां थाने में आई हुई थी उनकी समस्या को समझा जाना और उनका
घर बसाने के लिए काफ़ी एक अच्छे जो प्रयास हैं वो किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सार्थक साबित होंगे और उनका घर अवश्य बसेगा। हमारे एसपी साहब डॉक्टर आरपी जैन जी हैं, डीसीपी हेडक्वार्टर हैं, उनका भी प्रयास रहता है कि कोई भी आदमी नशे की लत से दूर रहे। मैं सोनिया अग्रवाल, वाइस चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। आज मैंने जो है झज्जर का दौरा किया, जिसमें मैंने झज्जर की जेल विजिट किया और साथ में महिला थाने का अचानक जो है औचक निरीक्षण जो है आज किया गया, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन अचानक महिला थाना साथ में जो है निरीक्षण किया गया। झज्जर जेल में ये मिला कि हमारे पास जितने भी कन्विक्ट वहाँ थी, जितने भी कैदियाँ वहाँ थी, उनको सबको ट्रांसफर किया गया है रोहतक जेल में, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। जैसे ही वो काम खत्म होगा तो उनको वापस से जो है झज्जर जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पुंडरी से आपको पता चले कि पुंडरी में आरटीए की टीम ने शुक्रवार को पुंडरी में 157 स्कूली बसों की जांच की है। जांच के दौरान जो कमियां पाई गई उसे तुरंत प्रभाव से दूर करने के निर्देश दिए गए और जांच टीम के प्रभारी अनिल सैनी ने बताया कि विभाग द्वारा पिछले कई दिनों से की जा रही सख्ती के चलते अब स्कूल बसों की स्थिति पहले से भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई स्कूलों की बसों में कमियां हैं। 40% बसों में हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले नहीं किए गए हैं। इसके अलावा कई बस चालकों के पास में 5 साल पुराने लाइसेंस नहीं है और कई स्कूली जो बसों के कंडक्टर या फिर अटेंडेंट के पास लाइसेंस या फिर रेडक्रॉस का प्रमाण पत्र नहीं है। सर, हमारे पास आज जो स्कूल बसेस को चेकिंग का शेड्यूल है तो और इसके अंदर जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत जो भी पॉइंट्स आते हैं उनकी एक हमारे पास 27 नॉर्म्स की जो है लिस्ट है, हम इनके तहत ही जो है चेकिंग कर रहे हैं। ड्राइवर का लाइसेंस हो गया, उसकी वैलिडेशन होगी, फिटनेस परमिट, गाड़ी का जो कलर कोडिंग है वो एज पर नॉर्म्स है कि नहीं है, और गाड़ी का बॉडी कंडीशन कैसा है, फिटनेस कैसा है, गाड़ी के अंदर जो CCTV स्पीड गनर जो अदर जो भी रिक्वायरमेंट्स जो सरकार की तरफ से हिदायतें हैं उन सब हिदायतों के हिसाब से हम इसको गाड़ी को चेक कर रहे हैं। सर, गाड़ियां कितनी बुलाई गई हैं ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज जो अपना पुंडरी एरिया है इसके सभी स्कूल्स को गाड़ियां भेजने के लिए बोला हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।